हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम इस दोनों बल्ब को रिपेयर करके देखेंगे कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले हम इसको चेक कर लेते हैं। तो चेक करने के लिए फ्रेंड्स, ये रहा होल्डर और यहाँ पे लाइन दिया हुआ है। तो अब हम इसमें बल्ब को लगाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो है ब्लिंकिंग का प्रॉब्लम है, यानी कि बल्ब जो है रुक रुक के जलता है और फिर बंद हो जाता है, जलता बंद हो जाता है। और दूसरा बल्ब देखते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये फुली डेड कंडीशन में है। तो अगर आपके भी घर में ऐसा बल्ब है तो आप उसको फेंकें नहीं, बल्कि उसको अपने घर में बहुत ही कम रुपये में रिपेयर करें। तो सबसे पहले हमें इसका ये जो दोनों ढक्कन है इसको हमें खोल लेना है। तो इसको जो है फ्रेंड्स, इस तरह से आप आसानी से खोल सकते हैं। तो ये देखिए खुल गया। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, पहले से रिपेयर करने की कोशिश की गई है, क्योंकि यहाँ पर ये शॉर्ट है और एक बल्ब यहाँ पर ख़राब हो गया, यानी कि यहाँ पर शॉर्ट करने के बाद ये दूसरा बल्ब जो है वो ख़राब हुआ है। और इसको भी खोल कर देख लेते हैं कि इसमें क्या है। तो अब देखिए फ्रेंड्स, ये यहाँ से निकल चुका है और इसमें भी देखिए यहाँ पे ब्लैक डॉट है। तो ज़्यादा चांस है कि यही बल्ब इसका ख़राब है। तो पहले हम इसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, इसको हम लगा लिए हैं। और अब जो है एक चिमटा लेना है, या फिर अगर आपके पास चिमटा नहीं है तो आप बाइट ले लें और इसको यहाँ पर शॉर्ट करके देखें। तो देखिए यहाँ पर शॉर्ट करने के बाद ये बल्ब जो है पूरी तरह से देखिए वर्क कर रहा है, यानी कि इसमें भी जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ और सिर्फ इस बल्ब से है। तो इस बल्ब में हम एक रेजिस्टर लगा देंगे जिससे कि ये पूरा बल्ब जो है अच्छी तरह से वर्क करने लगेगा। और इसमें भी रेजिस्टर लगा के हम बल्ब को जला सकते हैं, लेकिन लाइट थोड़ा सा कम जाएगा, क्योंकि जहां 9 बल्ब होगा वहां फिर सिर्फ और सिर्फ 7 बल्ब बचेगा। तो लाइट थोड़ा सा कम जाएगा, तो इससे अच्छा रहेगा कि इसमें पीसीबी बदल दें। और नहीं तो अगर आप पीसीबी नहीं बदलना चाहते हैं तो इसमें भी रेजिस्टर लगा के जला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले हम आपको इसमें रेजिस्टर लगा कर इस बल्ब को भी जलाकर दिखा देते हैं और इस बल्ब को भी जलाकर दिखा देते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स जो है इस बल्ब में हम पीसीबी को चेंज कर देंगे, क्योंकि हमें लाइट ज़्यादा चाहिए। तो ये रहा फ्रेंड्स रजिस्टर। तो इसका जो वैल्यू है वो 68 ओम है और ये 1 वाट का रजिस्टर है। तो इसमें जो बल्ब है फ्रेंड्स वो भी 1 वाट का बल्ब है और रजिस्टर भी हमें लेना है 1 वाट का। और अगर इसमें 1/2 वाट का बल्ब रहता तो रजिस्टर 1/2 वाट का भी चलता और 1 वाट का भी चलता। लेकिन अगर ये 3 वाट या 4 वाट का बल्ब रहता तो फिर रजिस्टर 1 वाट का नहीं चलेगा, उसमें जो है आपको 3 या 4 वाट का ही रजिस्टर देना होगा। यानी कि जितना बल्ब का वाटेज है कम से कम उतना, नहीं तो उससे ज़्यादा देना है। तो सबसे पहले हम यहाँ से इसको रिमूव कर लेते हैं। तो यहाँ पर से इसको हम इस तरह से निकाल लेते हैं। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, हमने इसको क्लीन कर लिया है। और अब इस रजिस्टर को पहले इसमें हमें सोल्डरिंग वायर जो है इस रजिस्टर में चढ़ा लेना है, यानी कि लगा देना है। और यहाँ पे हम इस तरह से इसको लगा लेंगे। तो पहले एक साइड वाला लगा लेते हैं, ये लग गया। और अब जो फ्रेंड्स इसमें दूसरे साइड का जो रजिस्टर का वायर है उसको यहाँ पे ऐड करना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो है लग गया है। और अब हम इसको पहले जलाकर देख लेते हैं, क्योंकि एक बल्ब इसमें ये जो है ये फ्यूज है। तो इस बल्ब को यहाँ पे हम शॉर्ट करके देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अब ये जो बल्ब है वो वर्क करने लगा। लेकिन अगर यहाँ पे हम इस बल्ब को दोनों को शॉर्ट कर देते हैं तो फिर भी ये ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा, क्योंकि इसका जो वाटेज है वो ज़्यादा हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, टोटल 9 बल्ब है और इसमें जो है एक बल्ब की जगह पर हमने रजिस्टर लगा दिया और दूसरा बल्ब को शॉर्ट कर दिए, तो इसमें बचा टोटल 8 बल्ब रजिस्टर लगाकर। तो ये 8 बल्ब जो है टोटल करेंट जो है सिर्फ 8 बल्ब में डिवाइड होगा, लेकिन हमें चाहिए 9 बल्ब में। तो 9 बल्ब के लिए एक रजिस्टर यहाँ पे और लगा लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से शॉर्ट करने के बाद भी बल्ब जलेगा, लेकिन शॉर्ट करना नहीं है। तो हमेशा जब भी आप बल्ब को रिपेयर करें तो उसमें रजिस्टर लगा दें, जिससे कि बल्ब का लाइफ बढ़ जाएगा। और अगर आप शॉर्ट करते हो तो बल्ब का लाइफ बढ़ता नहीं है, बल्कि उसमें और ज़्यादा कमी हो जाती है। तो इसलिए बल्ब को हमेशा रजिस्टर के सहारा से ही रिपेयर करें। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये रजिस्टर लग चुका है और अब हम जला कर देखते हैं। तो अब देखिए फ्रेंड्स, ये बल्ब जो है अच्छी तरह से वर्क कर रहा है। तो इसी तरह से इसमें भी हमें रजिस्टर लगा लेना है यहाँ पे, और ये भी बल्ब बनकर रेडी हो जाएगा, जैसा कि हम आपको करके दिखा देते हैं।
तो अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बल्ब को लगाते हैं। तो अब देखिए ये भी बल्ब अच्छी तरह से वर्क कर रहा है। तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं, और अगर कहीं प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें, जिससे कि हम अगले वीडियो में उसका सोल्यूशन कर सकें। तो अगर आप हमारे चैनल पर प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।